बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुहाडे सारयां दी खिदमत च एक बारी फिर तुहाडा अपना वीर अकबर हाजिर है और मैं तुहाडे सारयां वास्ते बहुत ज़्यादा दुआवां लैके तुहाडे वास्ते तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ। तुहाडा अपना वीर अकबर खातम तुहाडा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होंगी है कि मैं हर एक वास्ते इस मुश्किल वक्त के दुआवां कीतियां जान और अल्लाह पाक साड़ी मेरी इस कोशिश नूं कबूल करे। और मैं तुहाडे सारयां वास्ते हज़ारां दुआवां लैके तुहाडे खिदमत च हाज़र हाँ और मेरी दुआवां अल्लाह पाक अगे ने। अल्लाह पाक तुहानू सारयां नूं खुश और आबाद रखे और अल्लाह पाक तुहानू अज ईद का तीसरा दिन है और एक बारी फिर मेरे देसा परदेसा च दूर दूर जिहड़े घरां तों बाहर ने मेरे दोस्त अहबाब जिहड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने उन्हां नूं खसूसी मेरे वल्लों फिर एक बारी फिर ईद मुबारक। अज ईद का तीसरा दिन है ते अलहमदुलिल्लाह, क्योंकि जिहड़ा बंदा परदेस च हुंदा है उहदे वास्ते एक परेशानी का वक्त हुंदा थोड़ा जिहा। उहनूं जदों ईद का दिन आउंदा है दिल च बहुत एक ख्याल आउंदा है कि भई असीं कदी घर हुंदे अपणियां दे नाल बहि के ये खुशियां दे विच हुंदे, लेकिन मजबूरियां दी वजह तों अपने पेट दी वजह तों कि चलो अपने हालातां दी वजह तों आदमी जिहड़ा बाहर आ के परदेसां दे विच नौकरियां करदा है। अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक जिहड़े पिछे ने घरां च ने अल्लाह पाक उहनां नूं सारयां नूं हिफ्ज़ो अमान च रखे, जिहड़े परदेसां च ने अल्लाह पाक उहनां सारयां नूं जो जो भी है जिथे जिथे भी कोई जिस जिस कंट्री च सारयां नूं हिफ्ज़ो अमान च रखे। मैं मेरी सारयां वास्ते दुआवां ने और मैं ढेरां दुआवां लै के तुहाडे सारयां दी खिदमत च हाज़र हाँ और मेरियां दुआवां तुहानूं सारयां वास्ते ने और मैं तुहाडे सारयां दी दुआवां दा तलबगार। तुहाडा अपना वीर तुहाडे च तुहाडे वास्ते दुआ करदा, तुहाडी सारियां दुआवां दा तलबगार मैं खुद हाँ, ताकि अल्लाह भी अल्लाह पाक भी मेरे ते हिफ्ज़ो अमान मैनू भी रखे। और पहला मैं तुहाडे सारे वास्ते दुआ करना और इस गल नूं लै के मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके तुसी मेरी वीडियो नूं एंड तक लाजमी वेख्या जी, सक्रिप ना करिया जी, ताकि तुहानूं मेरी गल दी मेरी कोशिश दा पता लग जाए कि मेरा मकसद की हुंदा है। क्योंकि मैं हर बंदे वास्ते तहे दिल तो ही दुआवां करना, अल्लाह करीम इस जिहड़ा मुश्किल वक्त है, यह जिहड़ा परेशानी का आलम है दुनिया ते फैलिया करोना का अज़ाब, ये वास्ते खसूसी दुआवां करना वा कि अल्लाह पाक अपना रहम फजल फरमा और बीमारी नूं खत्म कर दे पूरी दुनिया तो। क्योंकि ये ऐसी इस मनहूस बीमारी फैल गई है, ऐसी वबा फैली है कि इन्हें पूरी दुनिया नूं परेशान करके रख दिता है। बहुत ज़्यादा लोग जिहड़े ने बेरोज़गार हो गए ने बेचारे, बहुत ज़्यादा लोग जिहड़े ने इस टाइम परेशानी दे आलम विच ने, क्योंकि कुछ सर्वे के मुताबक कोई लोग ये दसते ने कि इस टाइम कम से कम जिन्ना एक छेवें बंदा जिहड़ा इस टाइम वो बेरोज़गार हो गया है, यानी कि 6% लोग इस टाइम जोड़े ने बेरोज़गार, यानी कि छेवं पंजा चो छेवं बंदवा जोड़ा है वो बेरोज़गार हो गया है। कई करोड़ लोग इस टाइम पूरी दुनिया से बेरोज़गार हो गए हैं और यही बेरोज़गारी जी उन्होंने वास्ते परेशानी का सबब बन गई है। पता नहीं दोबारा उन्होंने फिर वो नौकरियां मिलन कि ना मिलन, किसी नौकरियों की वजह तो जाने कि नौकरियां छड़ गए ने, काम बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई ने, हज़ारा मसले मसायल हो गए हैं। तो उन्होंने वास्ते दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक उन्हों का भी सुआब लाए और ये बला जी खत्म हो जाए और फिर दोबारा दुनिया जी है अल्लाह पाक दुनिया से खुशहाली ता फरमाए, दुनिया में अल्लाह पाक फिर उस रोज़गार ता फरमाए। मेरी खसूसी यही दुआ है तुहाडे सारयां अगे और अल्लाह पाक अगे मेरी दुआ है और तुहाडे सारयां अगे मेरी इल्तजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एक आरजू है कि मेहरबानी करके तुसी लोग मेरे इस चैनल में वीर अकबर सब्सक्राइब करे जे और
इस घंटी के बटन भी नाल दबा दिया जी ताकि मेरी आने वाली वीडियो तुहानू मिल जाए और मेरी इस दुआ दे नाल आमीन कहो और तुहाडे सारयां दी किसी दी आमीन कहन नाल अल्लाह पाक मेरी इस कोशिश मेरी इस आरजू नू अल्लाह पाक काबले कबूल फरमाए आमीन सुम आमीन। क्योंकि किसी वनू देना इस वक्त मेरे ख्याल दे अंदर जे किसी नू कोई दे सकने सी तो किसी दा वास्ते दुआ कर सकने हैं। अगर साढ़े कोल कुछ होवे असी लाजमी इन्हां दे सज्जे खब्बे अपने इर्द गिर्द गली महल्ले च सारयां नू वेखिए सारयां दा ख्याल करिए और सारयां नू नाल लै के चलीए क्योंकि इस परेशानी दे वक्त दे विच असी सारे एक दूजे दा सहारा बनीए कंधे नाल कंधा मिला के चलीए तो मुश्किल वक्त जिहड़ा इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक सहारा देने की जरूरत जी होंगी है सहारा एक बहुत वड्डी एक जरूरत है कि सहारे के जरिए बड़े बड़े दरख्त जिहड़े ने लोग खिलार लेंदे ने सहारे के जरिए बड़िया बड़िया जिहड़ियां एक चीज़ा ने खलोतिया ने लेकिन सहारा भी एक ऐसा एक चीज़ है जिहड़ा एक गिरदे हुए इंसान नूं एक परेशानी दे आलम दे विच जिहड़ा कि एक बहुत ज़्यादा बंदा परेशान है उन्हें थोड़ी जी सपोर्ट हो जाएगी उसके वास्ते बहुत बड़ा एक रहमत हो जाएगी। यही गल है मेरी भी यही कोशिश है तुहाडे सारयां अगे कि मैं कोशिश करना और दुआ करना कि अल्लाह पाक हर एक ते अपना फजल करम फरमाए और बला नूं पूरी दुनिया तो ख़त्म फरमाए। ईद के मौके पर इस वक्त मेरिया तुहाडे सारयां वास्ते दुआवां तुहाडे सारयां वास्ते मेरी एक आरज़ू यही है कि अल्लाह पाक तुहानूं सारयां नूं हिफ्ज़ो अमान च रखे तुहानूं सारयां नूं अल्लाह पाक खुश और आबाद रखे। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है यही मेरी आरज़ू है और एक दुआ करने खुसूसी अल्लाह पाक जिहड़े इस टाइम जुलम हो रहा पूरी दुनिया से अल्लाह पाक उन्हां ज़ालमां दा हथ रोक लवे और मजलूमां नूं हफाजतां फरमाए मजलूमां दी अल्लाह पाक खैरां बरकतां फरमाए उन्हां दे माल जान इज्जतां दी हफाजतां फरमाए। तुसीं आप समझदार जे पूरी दुनिया किथे किथे लोग इस टाइम किवें किवें जुलम हो रहे हैं लोगों नूं घरां च बंद करके रख छड़िया गया है तो अल्लाह पाक ही रहमत करे और एक करोना की अजाब जिहड़ा फैलिया इहदी वजह तो बहुत ज़्यादा लोग जिहड़े ने परेशान ने घरां च बहन ते मजबूर ने अल्लाह पाक इहदे तों वी सानूं सारयां नूं सारे आलम इस्लाम नूं तमाम किलो दुनिया नूं शफा अता फरमाए आमीन सुम आमीन। बस यही मेरी आरज़ू है तुसीं लोग भी मेरी आरज़ू नूं मेरे नाल आमीन कहो अल्लाह पाक साडी इस कोशिश नूं कबूल करे और मेरे इस चैनल नूं मेहरबानी करके सबसक्राइब कर दिया जी और बैल दे बटन नूं दबा दिया जी ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी मिल जाए। बस ये नाल ही मैं तुहाडे तों इजाजत चाहना अपने वीर अकबर नूं इजाजत दिओ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो जाएगी किसले दूसरी वीडियो च। ओके जी सोने अल्लाह पाक दे वाले रब रखा।